मध्य एशिया के विशाल मैदानों के बीच विशाल मंगोल साम्राज्य के केंद्र में 13वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एक ऐसी महिला का उदय हुआ जिसका नाम इतिहास में ताकत, स्वतंत्रता और अद्वितीय कौशल के प्रतीक के रूप में गूंजता रहेगा। यह रेसलर प्रिंसेस या 10,000 घोड़ों वाली मंगोल योद्धा राजकुमारी खुतलून थी। खुतलून का जन्म 1260 ईस्वी में हुआ था। उसके नाम का अर्थ होता है मूनलाइट, लेकिन उसने अपने समय की एक ऐसी दुनिया में प्रवेश किया था जो महत्वाकांक्षा, शक्ति और महान परिवर्तन का युग था। उसका वंश महानता से भरा हुआ था क्योंकि वह एक प्रमुख मंगोल राजकुमार कैडू की बेटी और मंगोल साम्राज्य के संस्थापक महान चंगेज खान की ग्रैंडडॉटर थी। चंगेज खान की लिगेसी नवीनता और क्रूरता की एक ऐसी जटिल टेपेस्ट्री थी जो खानाबदोश जनजातियों को एकजुट करने और एक साम्राज्य बनाने की उनकी बेजोड़ क्षमता से चिन्हित थी, जो चीन से यूरोप और मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। इसी विरासत के भीतर खुतलून ने अपना अनूठा रास्ता बनाया था। खुतलून के पिता कैडू मंगोल साम्राज्य के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह जीवन के पारंपरिक खानाबदोश तरीके के कट्टर समर्थक थे, जो उन रीति रिवाजों और मूल्यों में गहराई से जुड़े हुए थे जो पीढ़ियों से मंगोल जाति की खास पहचान थी। इन मूल्यों में घुड़सवारी, तीरंदाजी और कुश्ती जैसे पुरुष प्रधान कौशल पर विशेष जोर दिया जाता था, और ये वही कौशल थे जिन्होंने राजकुमारी खुतलून के जीवन को परिभाषित किया। चौदह भाइयों वाले घर में पले बढ़े खुतलून ने प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों से भरे वातावरण में न केवल खुद को संभाला बल्कि इन कार्यों में उसने उत्कृष्टता हासिल की। छोटी उम्र से ही उसे घुड़सवारी का शौक था। उसने तीरंदाजी और कुश्ती के साथ साथ युद्ध कौशल में अपनी क्षमताओं को निखारा। युद्ध कला में उसकी दक्षता इतनी असाधारण थी कि वह अक्सर अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों पर जाती थी। उसके कारनामों का दस्तावेजीकरण करने वाले वेनिस के मशहूर यात्री मार्को पोलो ने उसे एक निडर योद्धा के रूप में वर्णित किया है। खुतलून न केवल अपनी शारीरिक शक्ति के लिए बल्कि युद्ध के मैदान में अपनी रणनीतिक कौशल के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई थी। खुतलून की कहानी तब एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब उसके पिता कैडू ने मंगोल साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए अपने चचेरे भाई कुबलई खां के साथ संघर्ष किया। इन राजनीतिक संघर्षों के दौरान अपने परिवार और अपने पिता के प्रति वफादारी के साथ साथ एक सलाहकार और योद्धा के रूप में उसकी भूमिका ने उसके प्रभाव को और मजबूत कर दिया था। कुश्ती के क्षेत्र में यह उसकी असाधारण प्रतिभा ही थी जिसने उसे आम महिलाओं से बिल्कुल अलग कर दिया था। खुतलून ने सामाजिक मानदंडों और लैंगिक अपेक्षाओं से विचलित हुए बिना इस क्षेत्र में कदम रखा और एक अपराजित चैंपियन के रूप में उभरी। जल्द ही खुतलून के कुश्ती कौशल की किंवदंती दूर दूर तक फैल गई और वह पूरे मंगोल साम्राज्य में एक ताकतवर योद्धा बन गई। उसके पिता कैडू उसकी शादी देखना चाहते थे लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसे समाज में जहां विवाह अक्सर परिवारों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन होता था, खुतलून ने अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसने अपने विवाह के लिए अपने चाहने वालों के लिए एक अनोखी शर्त रखी। उसने कहा कि उससे शादी की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उसे कुश्ती मैच में हराना होगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति हार जाता है तो उसे 100 घोड़े खुतलून को देने होंगे। पुरुष प्रधान समाज को एक महिला की तरफ से यह एक साहसिक चुनौती थी कि खुतलून को जीतो और तुम ना केवल एक सुंदर पत्नी बल्कि 100 घोड़े भी जीतोगे, लेकिन हार का मतलब उस अदम्य राजकुमारी को 100 घोड़े सौंपना था। लेकिन जैसा कि किंवदंती है, सैकड़ों योद्धाओं ने इस खुले चैलेंज में हिस्सा लिया लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाया। इस अनोखे प्रतियोगिता के बाद खुतलून के पास अपने प्रतिद्वंद्वियों से जीते गए 10,000 घोड़ों का एक अद्भुत संग्रह था, लेकिन चूंकि कोई भी उसे हरा नहीं पाया था इसलिए वह इस प्रतियोगिता के बाद अविवाहित ही रही।
सामाजिक दबाव पे आगे झुकने से उसकी दृढ़ इनकार और अपने मूल्यों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता ने उसे ऐसे समय में एक सच्चा पथ प्रदर्शक बना दिया था जब महिलाओं की भूमिकाएं अक्सर सीमित थीं। खुतलून की कहानी उसके जीवन काल के दौरान मंगोल साम्राज्य के भीतर सत्ता की बदलती फिजा को भी दर्शाती है। मंगोल साम्राज्य जो एक समय दुनिया की एक दुर्जय और एकजुट शक्ति थी, वह प्रतिस्पर्धी गुटों में बंटने लगा था। खुतलून ने खुद को इस उथल पुथल के केंद्र में पाया क्योंकि उसके पिता कैडू एक लंबे संघर्ष में अपने चाचा कुबले खां के खिलाफ वर्चस्व की होड़ कर रहे थे जो दशकों तक चला। अपने चारों ओर फैले संघर्ष और राजनीतिक षड्यंत्रों के बावजूद खुतलून ताकत और लचीलेपन का प्रतीक बनी रही। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वह मंगोल पहचान का प्रतीक थी, उन मूल्यों और परंपराओं का प्रतीक थी जिन्होंने पीढ़ियों से उसके लोगों को परिभाषित किया था। हालांकि खुतलून के बाद के जीवन और उसके अंतिम दिनों का विवरण अज्ञात है, कुछ वृत्तांतों से पता चलता है कि उसकी मृत्यु 40 वर्ष की आयु में हुई होगी, लेकिन उसकी मृत्यु के कारण और परिस्थितियां अज्ञात हैं। उसके अंत को लेकर तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद खुतलून की लिगेसी साहस, कौशल और अटूट स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में कायम है। पुरुषों के प्रभुत्व वाले दुनिया में उसकी उल्लेखनीय यात्रा सभी के लिए प्रेरणा का काम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि ताकत का कोई जेंडर नहीं होता और मानवीय भावना सबसे मजबूत सामाजिक अपेक्षाओं को भी चुनौती दे सकती है।